सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें जेड ए करें क्लासेस को और जेड नई ए वीडियो वीडियो देखने देखने के के लिए लिए घंटी घंटी की की बटन बटन को को दबाएं। दबाएं। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जेड ए क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को दो एक्सरसाइज 2/2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ाया गया है। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और अदर क्वेश्चन बताया जाएगा आप लोगों को। शुरू करते हैं आज का सवाल। 11 दिया गया है सवाल, टेन इनवर्स 2 cos 2 sin inverse 1/2। 2 sin inverse को पहले सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स 1/2 बराबर x मान लेंगे या साइन को x तरफ ले जाएंगे। साइन x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा या साइन x बराबर 1/2 जो साइन की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, इसको साइन पाई बाई 6 लिखा जा सकता है। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगी, एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। ये जो साइन इनो से 1/2 की जो वैल्यू आई है यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाएगा। तो समीकरण 1 में मान रखने पर हो जाएगा टेन इनवर्स 2 cos 2 sin inverse 1/2। वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 cos, यहाँ पे 2 है और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आई है आई बाई 6 से आया, यहाँ से 2 से 6 को कैंसिल करेंगे यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो आएगा टेन इनवर्स 2 cos π/3 हो जाएगा। टेन इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 का मतलब cos 60, और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो मल्टीप्लाई बाई 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 देगा। टेन इनवर्स 1 को टेन इनवर्स, और 1 जो वैल्यू होती है वो टेन पाई बाई 4 की होती है, टेन पाई बाई 4। टेन इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर मिलेगा वो पाई बाई 4 आएगा। टेन इनवर्स 2 cos 2 sin inverse 1/2 वैल्यू सॉल्व करने पर आएगा पाई बाई 4। अगला नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। काट टेन इनवर्स a प्लस cot इनवर्स ए। दोस्तों टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स cot इनवर्स y की जो वैल्यू होती है, cot इनवर्स x की वैल्यू होती है पाई बाई 2 होती है। टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होती है। यहाँ पे फार्मूले से वैल्यू रखेंगे, ये फार्मूला हमारा है। तो यहाँ पे काट मिल जाएगा और इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 हो जाएगी, और काट पाई बाई 2 यानी काट 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ये इसका आंसर रहेगा। काट
एन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए की वैल्यू जो आएगी वो आई बाई टू होगी। सवाल नंबर, अगला सवाल दिया गया है 13 क्वेश्चन दिया गया है, टेन एक बटा दो साइन इनवर्स 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। आप ये सवाल दिया गया और उसकी वैल्यू दी गई है, गामा मॉड एक्स से लेस देन 1 दिया गया है और वाई ग्रेटर देन 0, कामा एक्स वाई लेस देन 1, यानी एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी और मॉड एक्स ए की वैल्यू 1 से छोटी है। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे साइन इनवर्स 2x को पहले सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर x बराबर टेन थीटा माना जाएगा तो 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा माना x बराबर टेन थीटा, थीटा बराबर हो जाएगा टेन को x साइड लेके आएंगे, टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे मिल जाएगा साइन इनवर्स 2x, यहाँ पे टेन थीटा माना गया है, 2 tan थीटा हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का। तो इसकी यहाँ पर साइन 2 थीटा लिख दिया जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 2 थीटा और थीटा की वैल्यू जो आई है टेन इनवर्स एक्स से आई है, तो थीटा की जहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऐसे कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल करेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ये दिया गया है। इसमें वाई स्क्वायर बराबर मानेंगे टेन, यहाँ पे टेन थीटा माना गया, मान लीजिए कि टेन फाई मान लिया जा रहा है, माना वाई बराबर टेन फाई, तो फाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स वाई हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई की जहाँ पे टेन फाई रखना है, तो टेन स्क्वायर फाई बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई हो जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऑन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो कॉस इनवर्स इसकी जहाँ पे कॉस 2 थीटा हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो 2 थीटा हो जाएगा, थीटा की वैल्यू मिली है कॉस पाई हो जाएगा, जो पाई जो वैल्यू होगी वो टेन इनवर्स वाई है, यहाँ से मिल जाएगा 2 tan इनवर्स वाई। यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई है, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आई है, इन वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में इक्वेशन 1 में रख दिया जाएगा। इक्वेशन 1 में रखने पर यहाँ पे इसकी वैल्यू रख रहे हैं तो मिलेगा टेन एक बटा दो साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू आई है 2 tan इनवर्स
वाई आया। दोनों में दो दो कॉमन है, दो को बाहर ले लेंगे तो मिलेगा टेन, दो बाहर निकालेंगे दो बटे दो हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। दो से दो कैंसिल हो जाएगा, टेन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है टेन टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में टेन टेन एक्स प्लस टेन वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई होता है। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू इसकी आएगी एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो ये रावण सवाल में जो आंसर आएगा वो एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई होगा। सवाल क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स एक बटा पाँच प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये वैल्यू दिया गया है बराबर वन के। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यानी एक्स का मान निकालना है। तो एक्स की वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स यानी एक्स की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे दो टर्म दिया गया है, यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। साइन ए प्लस बी को साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा जा रहा है। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ ये लिख दिया जाएगा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पूरा इसको ए मान लिया जाएगा, ये बी मान लिया जाएगा, तो ये साइन ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखो फार्मूले से इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी लिख सकते हैं। तो साइन एक यहाँ क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक बटा साइन लिखा गया है, कॉस बी लिखा है कॉस, और बी की वैल्यू क्या दिया गया है कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया जाएगा, प्लस है प्लस लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पे कॉस लिखा है कॉस लिख देंगे, एक यहाँ पे क्या दिया गया है ए पूरा है ये बी है, एक यहाँ पे लिखा हुआ साइन इनवर्स एक बटा पाँच इंटू साइन बी है साइन लिख दिया जाएगा, और बी के यहाँ पे लिखा गया है कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा एक बटा पाँच मिल जाएगा, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा एक्स मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉस साइन इनवर्स एक बटा पाँच दिया गया है, कॉस साइन इनवर्स एक बटा पाँच लिख दिया जाएगा इंटू साइन और कॉस इनवर्स एक्स लिखा है इसको लिख दिया जाएगा। यहाँ पे एक्स का पाँच में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बटे पाँच हो जाएगा, प्लस कॉस साइन इनवर्स एक बटा पाँच और साइन कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा।
यहाँ पे कास है और यहाँ पे साइन इनवर्स है, ये कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे हमको कास में बदलना है, साइन इनवर्स को कास में बदलना है, तो फार्मूले से कास इनवर्स बदला जाएगा और यहाँ पे एक साइन है, कास इनवर्स दिया गया है, इसको कट करने के लिए यहाँ पे साइन इनवर्स लाना है, फार्मूले दोनों को चेंज करेंगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कास इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, और कास के लिए होता है कास इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला था, ये फार्मूला दोनों प्रयोग किया जाएगा। तो हल करेंगे एक्स बटे पाँच प्लस कास, साइन इनवर्स को कास में जब चेंज करेंगे तो कास इनवर्स होता है, कास इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स जहाँ पे दिया गया एक बटा पाँच, एक बटा पाँच का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटू दिया गया है, साइन लिखा है साइन लिख देंगे, और कास इनवर्स को साइन में चेंज करना है, कास इनवर्स को साइन क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे एक्स बटा पाँच प्लस कास, अब कास इनवर्स जैसे लिखा है ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे रूट में वन माइनस वन का स्क्वायर वन ही होगा और पाँच का स्क्वायर हो जाएगा 25 आएगा, 25 लिख दिया जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाएगा। फिर दूसरा ब्रैकेट है साइन और साइन इनवर्स, यहाँ पे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू वन दिया गया है, वन लिखा जाएगा, यहाँ पे मिलेगा एक्स बटे पाँच प्लस कास, कास इनवर्स यहाँ पे एलसीएम लेंगे 25 एक नंबर 25, 25 में से एक जाएगा, आएगा 24 बटे 25 हो जाएगा, साइन यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वन दिया गया, वन लिख दिया जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स बटे पाँच जैसे लिखा है वैसे लिख दिया जाएगा, प्लस लिखा है कास, कास लिख दिया जाएगा, कास इनवर्स लिखा है कास इनवर्स लिख दिया जाएगा, और 24 बटे 25 को कड़ी के बाहर लेके आएंगे, 24 को लिखा जाएगा दो कड़ी में छः और 25 का वर्गमूल जो होगा वो स्क्वायर रूट वो 5 होगा, 24 का दोस्तों जो मिलेगा 24 का 12 हो जाएगा, 2 6 12, यहाँ से 2 का जोड़ा मिल जा रहा है पेयर, तो यहाँ से 2 12 आ जाएगा और 6 कड़ी में रहेगा, तो 2 कड़ी में 6 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, लिख दिया गया है, और ये जैसे लिखा वैसे उसको लिख दिया जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है बराबर 1 है। अब यहाँ पे दोस्तों कास से कास इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा एक्स बटे पाँच प्लस 2 कड़ी में 6 बटे में 5 और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे एक्स बटे पाँच को पहले दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने पे होगा एक्स प्लस 2 कड़ी में 6 वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 1 5 हो जाएगा एलसीएम लेने पर, और तो समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1, समीकरण 1 का वर्ग करने पर
वर्क कर देंगे तो यहाँ पे कड़ी खत्म हो जाएगी, या एक स्टेप के बाद वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यक्ष को दूसरी साइड ले जाएं तो यहाँ पे मिल जाएगा दो कड़ी में छ, 1 - x² बराबर हो जाएगा, यक्ष इस तरफ आएगा 5 - x हो जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और उसका वर्क करेंगे। समीकरण 1 का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग जो आएगा वो 4 हो जाएगा और 6.5 का वर्ग 6 मिलेगा, 6 लिख दिया जाएगा। 1 - x² का वर्ग करेंगे, यहाँ पे रूट में है, कड़ी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे मिलेगा 1 - x² हो जाएगा बराबर 5 स्क्वायर जो करेंगे 25 हो जाएगा, प्लस 1 - x² - 2 - 5 - 10 x हो जाएगा। यहाँ पे ये आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 6 = 24, 1 - x², यहाँ पे मिलेगा 25 + x² - 10 x। मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 24 - 24 × x² = 24 x² हो जाएगा बराबर 25 + x² - 10 x हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट को राइट ले जाएंगे, यहाँ पे दिया गया है -24 x² और यहाँ 1 x², ये मिलके हो जाएगा 25 x² हो जाएगा, और यहाँ पे दिया गया -10 x दिया है, -10 x लिख दिया जाएगा, और 24 को साइड लेके आएंगे, 25 में 24 निकल जाएगा, प्लस 1 = 0 हो जाएगा। तो मिलेगा 25 x² - 10 x + 1 = 0, इसका गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा, फैक्टर निकालने पे आएगा, फैक्टर निकालेंगे 25 x² - 10 x + 1 = 0। कोई संख्या गुणा करने पर 25 हो या जोड़ने घटाने पे 10 हो, 5 × 25 = 25, 5 × 5 = 10 मिलेगा। यहाँ से गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 5x - 1² आएगा, 5 × 5 = 25 और 1 x² हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, और -2ab होता है, 2 × 5 = 10 x हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा 5x - 1 = 0, तो स्क्वायर हटाएंगे तो मिलेगा 5x - 1 = 0 हो जाएगा, 1 को राइट साइड ले जाएंगे तो 5x + 1 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 1, और ये 5 नीचे आएगा। तो दोस्तों इसमें जो वैल्यू आएगी sin 1/5 + cos 1 x = 1 में x की जो वैल्यू आएगी वो 1/5 आएगी। ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखा गया है, तो आप लोग लिखेंगे नहीं तो समझाने के लिए लिखा गया है।